कसरावा सहित क्षेत्र में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय आनबान के साथ मनाया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी और क्षेत्र में बारिश की लंबी खेत से किसानों के चेहरे पर परेशानी जरूर दिखाई दी, लेकिन आजादी के उत्सव में कोई कमी नहीं दिखाई दी। जनपद पंचायत कसरावत में सुबह सबसे पहले जनपद अध्यक्ष वंदना इंदर सिंह राठौर द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहन सिंह वास्कले सहित जनपद पंचायत का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। उपजल कसरावत में SDM संघ प्रिय तथा जल अधीक्षक जसवंत सिंह डावर द्वारा झंडा वंदन किया गया। नगर पालिका में CMO संजय रावल द्वारा झंडा वंदन किया गया। सिविल न्यायालय कसरावत में न्यायाधीश गण श्री विवेक जैन राकेश भिड़े द्वारा न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण किया गया। सेवानिवृत्त जिला जज श्री वीरेंद्र पाटीदार, अभिभाषक गण, न्यायिक कर्मचारी, पैरालीगल वॉलंटियर अखिल खान एवं पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश विवेक जैन ने कहा कि हमें अपने अधिकारों अलावा कर्तव्य का निर्वाह करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए न्यायाधीश गण द्वारा इंदौर रोड स्थित आवासीय परिसर एवं न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जिससे वो अक्सर पास रहती है, चाहे हो कदमों तले मगर दिल के पास रहती है। वो इतनी है चंचल, वो इतनी है चंचल कि हवाओं से भी बात करती है। कभी कभी हमसे रूठकर पानी की बूंदों से भी इजहार करती है। उसकी खुशबू से फूल भी शर्मा जाए, उसकी खुशबू से फूल भी शर्मा जाए, जब मिलकर नीर से बयार में वो मिल जाए। नाम बताता हूँ उसका, नाम बताता हूँ उसका, जिससे हमने इश्क कर लिया। हमने वतन की मिट्टी को अपना दिल दे दिया। खुश नसीब होते हैं वो, खुश नसीब होते हैं वो जिनको ऐसी तकदीर मिल जाए। मरने के बाद देह को मुट्ठी भर हिंदुस्तान की मिट्टी मिल जाए, हिंदुस्तान की मिट्टी मिल जाए। यही के साथ निर्णय की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी निर्णयों में भागीदार बनाया है। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारी कर्मचारीगण, पटवारीगण, नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे मीडिया से आए हुए साथी सभी एवं सभी आज के आमंत्रित सदस्य, मैं आप सभी को आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।